हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। हम एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड वी डिस्कस्ड वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू इट। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम दे दिया मुझे, उस टाइम पे उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है। नाउ लेट्स यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। नाउ दिस टर्म इज जीरो। आई गेट वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स और यू कॉस थीटा। इसका मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में। अब वर्टिकल कॉम्पोनेंट की बात करें तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब हमें एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गए हैं एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। दैट वट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट? इट विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एंड आई हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। इस तरीके से टर्म्स आएंगे जिसमें हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। एंड दिस विल बी माई फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी। नाउ इस एक्सप्रेशन से मेरे पास दो स्पेशल केस निकल के आते हैं। फर्स्ट इज व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट, दैट इज ए पॉइंट पर है। अगर वो ए पॉइंट पर है तो उस केस में कितना टाइम कवर हो चुका है? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इसमें हम टी की जगह यू साइन थीटा अपॉन जी लिखेंगे। एंड वेन वील कीप ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आई कैन राइट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से मैं स्क्वायर बाहर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आई विल गेट वी इज इक्वल टू यू इंटू वन माइनस, बेसिकली पहले हमें वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा। इट्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, सो आई विल गेट u cos थीटा। सो हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या होता है? खाली x कंपोनेंट के बराबर है। इसका मतलब y कंपोनेंट जीरो होता है वेलोसिटी का, विच वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो। और सेकेंड स्पेशल केस डिस्कस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट b, यानी कि अपनी मैक्सिमम रेंज कवर कर चुका है एंड इट इज लैंडेड। उस केस में क्या होगा? देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना टाइम पास हो चुका है टाइम ऑफ द फ्लाइट के बराबर, दैट इज टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे एक्सप्रेशन में। विल गेट दिस एंड वी नीड टू सॉल्व दिस। विल गेट दिस एक्सप्रेशन एंड ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर और वी इज इक्वल टू यू। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो जितनी वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया था उतनी ही वेलोसिटी से उसने लैंड किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ गुड डे।